हेलो नमस्कार आदर सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल तासी प्राची। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरे हाथ में फाउंडेशन लगा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करा जाए। सो हेयर इज द हीरो ऑफ टुडेज वीडियो। इसका जो कॉमन नाम है वो है फॉरएवर 52, बट या इसका जो पूरा प्रोफेशनल नेम है उसका नाम है डेली लाइफ फॉरएवर 52 फाउंडेशन प्रोफेशनल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आउटर पैकेजिंग की, जो कि बहुत ही प्यारी जेड ब्लैक कलर की आउटर पैकेजिंग है कार्डबोर्ड में, और हल्का सा जेड ब्लैक के साथ में जो इसके अंदर का शेड है, मतलब जो अभी आपका शेड होगा उसका हल्का सा एक टच दिया गया, जिससे आप बाहर से भी जान सकते हैं कि आपको शेड कौन सा मिल रहा है। मुझे एक्चुअली यही लगता है कि यही दिया गया होगा। एंड इस पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी क्वांटिटी, इसको कैसे अप्लाई करना है, और द बेस्ट पार्ट इसमें इंग्रेडिएंट भी दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उससे अगर कोई इशू है तो आप उसको देख सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर इसका एक बहुत ही प्यारा सा लोगो बना हुआ है जो कि है हार्ट, और उसमें पंख लगे हुए हैं, मतलब दिल आपका उड़ गया। एंड फिर यहाँ पे इसका फुल नेम दिया हुआ है, इसकी क्वांटिटी दी हुई है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ml की, विच इज़ क्वाइट सफिशियंट। और इसके टॉप फ्लिप पे शेड नंबर दिया हुआ है एंड शेड नाम दिया हुआ है, तो मेरा शेड है हनी और नंबर है 14। अब बात करते हैं इनर पैकेजिंग की। तो इनर पैकेजिंग में आपको ये एक बहुत ही सॉलिड हैवी ग्लास बॉटल दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली मैटिफाई लुक में है, एंड उसके ऊपर इसका नाम दिया हुआ है, पीछे सारी और अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे लाइक क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है एंड ऑल। वेल नहीं, प्राइस इस पर नहीं लिखा हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि इसकी बॉटल पर और इसके जो आउटर पैकेजिंग में दोनों पे इसका शेड नंबर दिया हुआ है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो सबसे अच्छी बात इसमें ये आपको एक पंप नोजल दिया हुआ है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट बना देता है यूजर्स को। आपको कितनी भी क्वांटिटी चाहिए आप आराम से इसमें निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ओ माय गॉड ज़्यादा निकल आया या फिर निकल ही नहीं रहा है, जो कि ब्लैक कलर का है। और इसकी बॉटल एक्चुअली में बहुत ही क्लासी एंड बहुत ही रिच लुक वाली है। इसका जो प्राइस है, जितने पे मैंने इसको परचेस किया था एट दैट मोमेंट, और इसका प्रेजेंट प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको कितने पे ख़रीदा था, बट 700 to 800 के मिड में ही था। ये आपको नायका पर्पल अमेजोन पर आराम से मिल जाएगा, इवन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर भी आप खरीद सकते हैं जाके। इसमें शेड वेरिएशन बहुत ही अच्छी मात्रा में दिया गया हुआ है, टोटल इसमें 16 शेड्स अवेलेबल हैं, बट या इंडिया में इसके 14 शेड्स ही लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि जो 4 शेड्स हैं वो 2 एक्सट्रीम फेयर के लिए हैं और 2 एक्सट्रीम डीपर के लिए हैं, जो और चारों ही शेड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहते, मतलब इन शेड्स की गर्ल्स या बॉयज़ नहीं रहते हैं। तो जो भी शेड्स लॉन्च किए गए वो बहुत ही अच्छे, आपको हर स्किन टोन के लिए अलग अलग शेड्स अवेलेबल हैं, और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। बाय द वे, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जाता है ये फाउंडेशन। मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों आया, इसका मेन रीज़न है क्योंकि ये ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है, और मेरी स्किन तो एक्सट्रीमली ड्राई है, तो ये बहुत ही अच्छा फिनिश देता है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगता। और इसकी जो फिनिश आती है ना, वो भी हल्का सा एक डुई फिनिश टाइप का आता है, ऐसा नहीं करता है कि स्किन को बिल्कुल रफ़ बना दे। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि मेरे को ज़्यादा फाउंडेशन सूट नहीं करता है, और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ही अच्छा सा फिनिश देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 2-3 पंप लो तब जाके आपका हो, एक पंप में आराम से आपको अच्छे से फुल फेस को कवर कर देता है। एंड जो कवरेज भी है वो भी मीडियम टू हाई है, मेरे लिए तो मैं कहूँगी कि इसका कवरेज हाई ही है, और आराम से आपके फेस पे 12-14 घंटे स्टे करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ केकीनेस की लाइन बन रही है, ये हो रहा है कुछ नहीं, बहुत मस्त है। बट हाँ, मे बी क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया इस वजह से मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऑयली स्किन वाले पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, बट या अगर आप अच्छे से बेकिंग वगैरह कर लेंगे तो उनके स्किन पर भी अच्छे से रहेगा। एंड या वैसे भी स्किन केयर ज़्यादा स्पेशल होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको एक अच्छा ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन चाहिए इन अफोर्डेबल प्राइस, नॉट सो अफोर्डेबल, बट या अगर आपको फाउंडेशन अच्छा मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी ठीक ही ठाक है आई मस्ट से, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीपर साइड में जाना पसंद करती हूँ। बट हाँ, अगर यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रांड, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रुपए भी खर्च कर सकते हैं।
अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको और लोगों को शेयर भी करिएगा जिसको भी इसकी आवश्यकता हो, और इस पर कमेंट भी करिएगा। और हाँ, प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज़।